मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था करंट अफेयर्स पे, तो उसमें मुझे अच्छे व्यूज आए, काफी लोगों के कमेंट्स आए कि अच्छा लगा आप करंट अफेयर्स पे और वीडियो बनाया करो, हमें अच्छा लगता है। तो मेरी एक फिर से कोशिश है, मैं आज जो न्यूज पढ़ रहा था उस पर मैं करंट अफेयर पे आपको एक वीडियो बना के बताता हूँ क्या मैंने पढ़ा। पहला तो आर्टिकल ये था जिसमें था जो बिडेन वर्सेज डोनाल्ड ट्रंप, हु इज बेटर फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बेटर कौन है, और यूएसए चाइना का ट्रेड वार जो चल रहा है उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि यूएसए में भी इलेक्शन होने वाले हैं साल के एंड में, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो इंसान खड़े हुए हैं उनका नाम है जो बिडेन, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो इंडिया में क्या इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया के लिए क्या अच्छा होगा कि कौन जीते। क्या हो रहा है कि ट्रेड वार हो गया है, ट्रेड वार में क्या होता है, यूएसए ने चाइना से इंपोर्ट कराना कम कर दिया, पहले चाइना से बहुत इंपोर्ट करा था, ट्रंप ने रोक लगा दी, अब चाइना से इतना इंपोर्ट नहीं करवा रहे हैं वो लोग, तो चाइना से इंपोर्ट कम करके वो इंडिया को दे रहे हैं। अब जो है यूएसए इंडिया से सामान मंगवा रहा है, तो जितना ट्रेड वॉर लंबा चलेगा उतना इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि इंडिया अगर इतना इंपोर्ट बढ़ाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यूएसए क्या मेनली इंपोर्ट कर रहा है, यूएसए मेनली केमिकल्स, मेटल्स, ओर्स और दूसरी टाइप की चीजें इंडिया से मंगवा रहा है। इसमें क्या होता है कि यूएसए में दो टाइप की पार्टीज हैं, एक रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन के कैंडिडेट अपने डोनाल्ड ट्रंप है, और दूसरी तरफ है डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स के कैंडिडेट जो बिडेन है। तो ट्रंप तो चाइना के बहुत अगेंस्ट हैं, शुरू से हम देख रहे हैं चाइना के अगेंस्ट कुछ भी बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं खुल के, कुछ भी चाइनीज वायरस पहले बोल रहे थे, कुछ ना कुछ चाइना अगेंस्ट वो बोलते रहते हैं ओपनली। तो ट्रंप तो चाइना के बहुत अगेंस्ट हैं और इसलिए उसने चाइना से इंपोर्ट बहुत कम कर दिया, बहुत ही कम चाइना से इंपोर्ट कर, चाइना बड़ा दुखी इस मामले में कि यार हमारा इंपोर्ट कम कर दिया। तो ट्रंप ने तो जितनी चाइना की आलोचना की कोरोना वायरस के मामले में, कोरोना वायरस के बारे में, इतनी तो और किसी भी इंसान ने नहीं की है ओपनली। उन्होंने बोला है कि चाइना तो झूठ बोल रहा है, चाइना में सबसे ज्यादा लोग मरे होंगे और चाइना का जो ये ऑफिशियल नंबर गलत है, अनऑफिशियली चाइना में सबसे ज्यादा डेथ हुई है, उनका तो एक ये कहना है। तो ये है कि अगर ट्रंप फिर से पावर में आता है तो यानी कि ये तो पक्का है कि यूएसए का जो यूएसए चाइना ट्रेड वॉर जो है, यूएसए चाइना का ट्रेड वॉर लंबा चलेगा, और अगर ये लंबा चलेगा तो फिर ऑब्वियसली मेरे ख्याल से भारत को फायदा होगा। अब दूसरे वाले जो कैंडिडेट हैं उनका हम देखते हैं क्या है उसकी स्टोरी। जब ओबामा प्रेजिडेंट था तभी जो बिडेन वहां का वाइस प्रेजिडेंट था, उस टाइम पे जब ओबामा प्रेजिडेंट था ना तभी जो बिडेन वहां का वाइस प्रेजिडेंट था, वीपी था, इसका इंटरेस्ट तो चाइना में ही है, इसका इंटरेस्ट चाइना में है, काफी इसका इन्वेस्टमेंट भी है। और मैं बताता हूँ क्या कहानी हुई थी, ये अपने बेटे हंटर को चाइना लेके गए थे 2013 में, 2013 में हंटर बिडेन को ये 2013 में बीजिंग लेके गए थे, और उसके कुछ दिन बाद ही हंटर एक चाइनीज फर्म में पार्टनर बने और जिस फर्म ने 1.5 लाख बिलियन से भी ज्यादा पैसा उठाया, तो जस्ट कुछ दिन बाद ही उस फर्म ने 1.5 लाख बिलियन पैसा उठाया। तो चाइना भी जो बिडेन को सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी चाहता है ये आएगा तो ट्रेड वॉर खत्म होगा, हमारी इंपोर्ट बढ़ेगी, तो वो भी जो बिडेन को सपोर्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली उनकी ट्रंप से नहीं बन रही। और 2017 में क्या हुआ था बताता हूँ, 2017 में उसके जो बेटे हैं हंटर, वापस हंटर बिडेन को चाइना ने एक बड़ी पोजीशन दी और उसमें उसको काम कुछ भी नहीं करना था लेकिन पैसा पूरा मिलेगा, फाइनेंशियली बहुत पैसा मिलेगा लेकिन काम उसको कुछ नहीं करना, नाम की एक पोजीशन दे दी और पैसा मिलता रहेगा। तो 2010 में बिडेन ने कहा था ए राइजिंग चाइना इज पॉजिटिव डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर चाइना बट फॉर अमेरिका। 2010 में ये बिडेन के वाक्य हैं कि अगर राइजिंग चाइना है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट ना सिर्फ चाइना के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी है। और अभी जब मई 2019 में इलेक्शन का माहौल चल रहा था, ये सब प्रमोशन वगैरह हो रहा था, तब भी जो बिडेन ने ट्रंप की टांग खींची थी, बोला था यार तुम डरते क्यों हो चाइना से, उन्होंने ट्रंप को समझाते हुए कहा कि चाइना बुरा, चाइना में बुरे लोग नहीं है, चाइना अच्छा है, हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें चाइना से कोई नुकसान नहीं है, वो चाइना हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसा उन्होंने मई 2019 में कहा था। बोले चाइना से क्यों डरते हो, चाइना तो बड़े अच्छे लोग हैं, तब भी ट्रंप को उसने बोला था बिडेन। अभी ट्रंप की प्रमोशन चल रही है, ट्रंप ने अपनी जो नई एडवर्टाइजमेंट बनाई है, ट्रंप ने अपनी नई एडवर्टाइजमेंट चलाई है, उसमें लिखा है ट्रंप वर्सेस चाइना जो, ट्रंप वर्सेस चाइना जो, वो उसको जो बिडेन नहीं बोला, उसको चाइना जो उसने नाम दे दिया अपनी एडवर्टाइजमेंट, ये बड़ी अच्छी बड़ी क्रिएटिव उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाई है। तो मेरे हिसाब से तो यार मेरे को तो ऐसा लगता है ये सब पढ़ के सुन के कि ट्रंप भी इंडिया के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर वो चाइना से इंपोर्ट कम करके इंडिया से सामान इंपोर्ट करवा रहा है तो ट्रंप इंडिया के लिए अच्छा, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, और ट्रंप आ गया तो ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है ये भी लंबा चलेगा। दूसरी न्यूज में पढ़ रहा था कोटा स्टूडेंट्स इवैक्यूएटेड, तो वाई नो इवैक्यूएशन फॉर पुअर माइग्रेंट वर्कर्स, ये भी सही बात है, कोटा स्टूडेंट्स को अभी इवैक्यूएट किया, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को वहां पे फंसे हुए थे उनको वहां से निकाला गया स्टूडेंट्स को, लेकिन फिर ये मजदूरों को क्यों नहीं, उनकी उनकी ये गलती है। कोटा एक एजुकेशन हब है ना इंडिया में, बहुत फेमस है, लाखों बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं हर साल, लाखों रुपए खर्चते हैं वहीं पे पढ़ते हैं, वहीं का मैस का खाना खाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं वहीं पे रहते हैं, वहां कुछ बच्चों के पास सिंपल फोन है, बेसिक फोन है जिसमें स्मार्टफोन ही, कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले सकते, डाउट्स भी नहीं पूछ सकते। अब लॉकडाउन बढ़ गया तो उनका पैसा भी खत्म होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक ही रुक सकते, उसके बाद तो पैसा भी नहीं हमारा रहने का,
एग्जाम की डेट कब है पता नहीं, एग्जाम आगे पोस्टपोन हो गए हैं डेट पता नहीं। अधिकतर बच्चे जो हैं वहाँ पे वो 15 से 19 साल की उम्र के हैं, 15 से 19 साल की उम्र के बच्चे हैं। ऐसे टाइम पे लॉकडाउन टाइम पे ये लोग भी अपने माँ बाप के साथ अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहेंगे बेचारे, है ना, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन पर ऐसे तो सभी लोग फंसे हैं ना, मजदूर भी क्या इस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहेंगे। तो कुछ बच्चों ने अपना एग्जाम सेंटर चेंज करके होम टाउन को ही ले लिया, उन्होंने अपना एग्जाम सेंटर चेंज करके होम टाउन को अपना एग्जाम सेंटर बना लिया। अभी का करा पिछले 4-5 दिनों में यूपी गवर्नमेंट ने 250 बसेस चलाई हैं, 250 बसेस भेजकर ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों को उन्होंने अपने होम टाउन पहुंचा दिया है। यूपी और राजस्थान की सरकार का ये कदम तो वैसे काफी काबिले तारीफ है, उन्होंने अच्छा ये कराया कि 250 बसेस चला के बच्चों को अपने घर पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा क्लास डिवाइड भी तो देखने को मिलता है। ये बच्चे अमीर है थोड़े, मतलब मिडिल क्लास के, तो ये बच्चे 4 लाख रुपए साल में खर्चते हैं। एक साल का खर्चन का ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए होता है कोटा में रहने का, खाने पीने का, रहने का, फीस का, सब कुछ। तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास के तो ये हैं, पर माइग्रेंट वर्कर्स का क्या, उनकी क्या गलती, मजदूरों की क्या गलती। सरकार ने भी बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त किया, मास्क दिए, बसेस को सैनिटाइज किया बढ़िया तरीके से, उनको उनके घर पहुंचा दिया गया 250 बसेस में। और भी बसेस अभी भी लेकिन 20,000 स्टूडेंट्स अभी भी कोटा में फंसे हुए हैं, जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हैं। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब सरकारें भी सोच रही हैं हम भी अपने बच्चों को भाई वहां से निकालें। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार का कहना है कि वो इस ऑपरेशन के पूरी तरह से खिलाफ है, वो इसके खिलाफ है। वो कह रहे हैं ये तो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन हो गया, लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा, इतने बच्चे बसेस भर के जा रही है, तो बोले ये तो फिर लॉकडाउन का फायदा क्या, फिर दूसरे लोग जो लोग फंसे उनकी क्या गलती। और बात सही है कहीं ना कहीं नीतीश की भी, क्योंकि कोटा में अभी तक 100 केसेस तो आ चुके हैं, कल तक कोटा में 100 केसेस थे, थोड़ी रिस्क तो है कि कहीं किसी बच्चे से ना हो जाए। तो नीतीश कुमार बेचारा गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को जाने दे रहे हो तो वर्कर्स को, मजदूरों को क्यों रोक रहे हो यार। काफी सारे माइग्रेंट वर्कर हम देख रहे थे पैदल ही चल पड़े थे, पैदल जा रहे थे, कुछ लोगों की थक के डेथ हो गई, एग्जॉशन हो गया, एग्जॉशन के कारण एग्जॉस्ट हो गए वो लोग, कुछ लोगों की एक्सीडेंट से डेथ हो गई, कुछ रस्ते में एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस उनको मार रही है स्टेट बॉर्डर्स पर, उनको पकड़ के उठक बैठक करवा रही है ना। 5-6 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि मुंबई में अफवाह फैला दी थी किसी ने कि मुंबई में एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जो मजदूरों को लेके जाएगी, तो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था, फिर पता चला ये तो फेक न्यूज है ना। रोज हम देखते हैं सूरत में रोज वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं सड़क पे आके, सूरत में रोज हम देख रहे हैं वर्कर्स सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस उन पे लाठी चलाती है, ये तो दिल्ली का रूटीन हो चुका है, हैदराबाद में और शहरों में भी ऐसा देखा गया है। तो सरकार को वर्कर क्लास की मदद करने से कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है सरकार को, उनकी भी तो हेल्प करो यार। हाँ थोड़ा ऑपरेशन बड़ा होगा, संख्या ज्यादा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, पर कुछ तो करो। खाना पीना एनजीओ वगैरह कब तक पहुंचाएंगे, ज्यादा देर तक वो हेल्प नहीं कर सकेंगे ना लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो। या जब सरकार अपर मिडिल क्लास छात्रों को विदेशों से लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट चला सकती है, अभी शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तो अपर मिडिल क्लास जो छात्र विदेश में पढ़े थे उनको वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट चला सकती है, मिडिल क्लास छात्रों को अपने शहरों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बसेस चला सकती है, तो वर्कर्स को घरों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता यार। क्या मजदूरों के घर पहुंचने की ललक अमीर लोगों के घर पहुंचने की ललक से कुछ कम है? बहुत सारे मजदूरों के पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो सरकार जो पैसे डाल रही है जो कैश बेनिफिट उन्हें कभी मिलने वाला ही नहीं है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तीसरी न्यूज में जो देख रहा था वो ये था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन सेज इस्लामोफोबिया राइजिंग इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19। तो OIC बोलते हैं, OIC क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ये कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया आप कर रहे हो, बढ़ता जा रहा है कोविड-19 के दौरान इंडिया में, ये बोल रहे। तो मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हो इंडियन मीडिया में, बहुत नेगेटिविटी से पोर्ट्रे कर रहे हो, OIC का ये कहना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का ये कहना है। इनका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में है, तो ये पूरा मुस्लिम देश है, ये लोग कह रहे हैं ऐसे तो मुस्लिम के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ जाएगा इंडिया में, भेदभाव बढ़ सकता है, आप गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, क्यों तबलीगी जमात को आप ऐसा बोल रहे हो, ये वो कर रहे हो वो कर रहे हो। तो बोल रहे हैं कि मुस्लिम को कोविड-19 से जोड़ के नेगेटिव न्यूज पोर्ट्रे को मत कीजिए, उनका ऐसा कहना है। और वहां की न्यूज में बहुत गलत तरीके से दिखा रहे हैं इंडिया, वहां के जो न्यूज चैनल हैं अखबार हैं वहां पे इंडिया को बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, वहां पे दिखा रहे हैं इंडिया बहुत ही खराब जगह है फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए रहने लायक जगह नहीं है बिल्कुल इंडिया। पर बहुत समय बाद ये देखा गया, बहुत समय बाद इंडिया को गल्फ रीजन्स में एकदम नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, UAE हो, दुबई हो, नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है इंडिया को बहुत सालों बाद ऐसा देखा गया। लेकिन मोदी ने भी इसका जवाब दिया, मोदी जी ने इसका जवाब में लिखा है कि कोविड-19 को किसी रेस, रिलीजन, कास्ट से कनेक्ट करके मत देखो, हमको यूनिटी ब्रदरहुड पे फोकस करना चाहिए। वो तो एक बोल रहे हैं कि ये किसी को भी हो सकता है वायरस, इसको एक रेस, रिलीजन, कास्ट, हिंदू मुस्लिम से कनेक्ट करके मत देखो, हमको इस टाइम पे एक यूनिटी और एक ब्रदरहुड पे फोकस करना चाहिए। उन्होंने ठीक बात बोली है। अब यूएई की जो प्रिंसेस है, एक रॉयल फैमिली की जो है एक लेडी, उन्होंने नोटिस किया कि एक इंडियन आदमी ने यूएई में रहकर तबलीगी जमात की आलोचना की,
वो तबलीगी जमात की आलोचना कर रहा था यूएई में रहकर, इनको ये बात पसंद नहीं आई, तो इन्होंने ये कहा अब आपको यूएई छोड़ना होगा और फाइन भी लगेगा कि तुम यहाँ रह के बुराई कर रहे हो तबलीगी जमात की, तुमको अब यूएई छोड़ना पड़ेगा और तुमको फाइन भी लगेगा। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं मुस्लिम कंट्री वाले, कि अब हम इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे जी, वो मुहिम चला रहे हैं ऑनलाइन बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट कर दो इंडियन प्रोडक्ट्स को, पर ऐसा हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज को कोविड-19 से लड़ने के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो इंडिया ही तो भेज रहा है, वो इंडिया से ही आ रही है, तो कैसे आप कर दोगे बॉयकॉट, वो होना मुश्किल है। तो ये थी मेरा एक और नया वीडियो था करंट अफेयर्स के ऊपर, बताइए आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ को लेके, और ऐसी न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स।